आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस से मैं आ गई हूँ ब्लू कर्टन के पीछे। यहाँ पे वीडियो देखें अभी कितनी साफ आ रही है, वहाँ पे इतनी साफ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी आती है। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट व्लॉग है, पहला व्लॉग है, क्योंकि फिर से एक स्टार्ट लिए हमने अपना चैलेंज पूरा करना, अपना गोल पूरा करने के लिए। तो आज फर्स्ट डे है हमारा। की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले अपने बालों को सुधारते हैं, जो कि सारे ऊपर नीचे हैं और इनकी कटिंग मतलब बहुत ऐसे हैं कि देखने लायक नहीं है, इस तरीके के हैं। इनको जो है ना सही कराने के लिए जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड्स के पास। ये देखें, एक साइड से ये इतने लंबे हैं और एक साइड से ये ऐसे हैं, कुछ इस तरह के हैं। तो अब ये अपने लेवल में आने तक तो मुझे लगता है ये और ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये है कम से कम ये तरतीब में आ जाएंगे, क्योंकि मैं इनको छुपा के रखती हूँ, कवर करके रखती हूँ। बहुत मुझे अजीब लगते हैं छोटे ऊपर से नीचे छोटे छोटे और नीचे से दो तीन बाल हैं जो एंड तक ऐसे जा रहे हैं। तो जहाँ से मैं हमेशा कट कर आती थी, जहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलके बातें करूंगी, कुछ अच्छा लगेगा, टाइम अच्छा हमारा गुजरेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं घूमने फिरने के लिए भी जा रही हूँ, तो उसकी पैकिंग तैयारियां सब कुछ वापस आकर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं मैंने आपको बतानी, उससे पहले मैं चलती हूँ और अपना कट करा कर आती हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ अपना भूल गए तो लेने गए ऊपर से, तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। लग रहा है बाहर से हरा भरा, यहाँ से भी हरा भरा, यहाँ से भी हरा भरा। तो अब चलते हैं नीचे की। दो तीन दिन से इतना ज्यादा कड़क धूप निकल रही है, ऐसी गर्मी हो रही है। कल तो खैर बारिश हुई है कराची, बारिश के बावजूद भी अभी भी देखें कोई मौसम ठंडा नहीं हुआ। कल तो ठंडा था काफी, कहाँ रह गए। मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये आज का मेरा ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है। आ गए, चलिए आप अपना सामान पकड़ लें, अपने बालों को इन्होंने कलर कराना है। गाड़ी में करेंगे, गाड़ी में कलर करेंगे। आप भी पोलर जाएंगे? अच्छा, वहाँ तो ठंडी चल रही है, धूप अभी भी तेज निकली हुई है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है, गाड़ी जो है ना फुल गर्म हुई है। ये खोलें क्यों नहीं खुल पूरी गाड़ी, ये बहुत गर्म हुई है, यहाँ पे तो कोई नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर एसी चलाएं, थोड़ी ठंडी हो जाए। आपकी साइड पे कैसी है सीट? हाँ, सही है। आपकी साइड पे क्यों ठंडी? अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी छांव आ रही है। चलो, गुजारा हो गया है, अब चलते हैं। आज मैंने अपनी गोल्ड की रिंग और अपनी बैंगल्स भी निकाली। बैंगल्स कुछ दिन पहले मैंने उतार के रखी थी, रिंग तो मेरी काफी टाइम से आपको दिखी नहीं होगी, इसको मैंने रखा हुआ। इनका भी हेयर वैक्स हो जाएगा, ये थोड़ी बाजू मेरी अच्छी लगेंगी, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, अभी ऐसे आदमियों वाली लग रही है। ये येलो वाली कार कितनी प्यारी लग रही है। लेडीज कलर है, किसी लड़की की होगी। ऐसे कलर ना जो अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा, इतना दूर है हमारा सिग्नल। अच्छा, ये मजाक के है वाकई में, इसको लेके सैलून जा रहे हो आप? सैलून कलर कराने के लिए? तो वो खुद नहीं कलर देते सैलून में तो होते हैं। अच्छा, तो ये अपना सैमसोल का हेयर कलर खरीद के जाते हैं, जो कि अपने हेयर को कलर वहीं से करवाते हैं। उनके पास ये वाला कलर नहीं होता? नहीं। ज्यादा रश से निकलने के बाद हम पहुंच गए अपने सैलून। वहाँ पर सामने काफी ज्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, ये सैलून का ही रश। तो चलो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, फिर आप मुझे तकरीबन एक डेढ़ घंटे या दो घंटे तक, थोड़ी देर में बैठूंगी, बातें करूंगी, आपको कॉल कर लूंगी ना जैसे फ्री होंगी। सही है। ये रहा हमारा सैलून, अंदर से कुछ इस तरीके का है, बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है। अंदर इंटर होते ही ये इसकी एंट्रेंस है और मुझे ऊपर जाना। तो आज हमारा कट करने वाले हैं कौन? सरफराज भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत ही अच्छा हेयर कट करते हैं, बहुत फेमस हमारे कौन हो गए, क्या हो गए, यूट्यूबर मैं बोल रही थी। फेमस हमारे यूट्यूबर सरफराज, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और पहली दफा एक दफा पहले भी इन्होंने मेरा हेयर कट किया था, बहुत पहले तकरीबन दो साल हो रहे हैं शायद। अब तो मैं ऐसे बाल लेकर आई हूँ कि ऐसी आपको क्लाइंट कभी नहीं मिली होगी। कम हाँ, सरफराज भाई का बाल दिखाएंगे अपने हाथों का, आज होगा कोई हल है ना इनका? हल होगा, थोड़े से शॉर्ट लगेंगे, लेकिन एक दफा जब अच्छे से कट जाएंगे तो फिर अच्छे से बढ़ते जाएंगे। अब आप लोग देख रहे हैं ये जगह जगह से कटे हुए हैं। अब मेरा जो बेसिकली टास्क ये है कि शॉर्ट तो ये होने वाले हैं, लेकिन हम लोग इनको ऐसा हेयर कट करेंगे जो ट्रेंडी भी लगे, ठीक है, और इनकी जो अनइवन लेंथ है वो ऑफकोर्स हो तो नीट हो, और ऐसा भी हेयर कट हो जो इनको तंग ना करे, अगले 6-8-10 महीने तक ये हेयर कट ना करवाए, और वो उनको इसी तरह से बढ़ता हुआ बहुत प्रॉपर वे में इनका जो बाल है वो नीचे आता रहे। ऑफकोर्स अब छोटा लगेगा, शॉर्ट ये वैसे भी ट्रेंड में है तो भी और ट्रेंडी लगेगी, फिक्र ना करें।
तो इनके अभी ये बालों का बिफोर आप लोग देख सकते हैं, तो आफ्टर करके फिर आपको दिखाएंगे कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो कटिंग के साथ साथ सलमा मेरी दोस्त मेरे लिए चाय बना के लेके आई और मैं साथ साथ चाय पी रही हूँ, और अभी तक स्टिल सरफराज लगा हुआ मेरी कटिंग में कि कोई इसका रिजल्ट निकले। One, two, go. यहाँ पर जो भी कट की आता है, जो भी अपना हेयर स्टाइल बनाते कुछ भी बनाते हैं, तो उनके पेज पर उनकी पिक्चर और वीडियो जरूर जाती है, उसी के लिए बस एक क्लिक ले रहे थे। तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सरफराज, वेलकम। आते रहना सितारा, क्योंकि आप तो हमारे पास ही आती हो। हाँ, आते रहना। हाँ। और आपके सब्सक्राइबर्स भी जरूर। ये कोई रिजल्ट निकला है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबने भी बताना कि कैसा लग रहा है। और सरफराज का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को भी ऐसा कट कराना है मेरे भाई से तो यहाँ पर हाजिर है एमक्यू में। एमक्यूज क्लिप्टन कराची, मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, काफी देर इनके साथ बातें हुई और बहुत अच्छा मेरा इनके साथ टाइम गुजरा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी यहाँ से निकलने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो सब बिजी भी हो गए क्योंकि शाम का टाइम हो गया, हर कोई अपने काम में बिजी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सना। बाय 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 रिहाना। और ये रही हमारी आशिबा जी, ठीक है आशिबा जी बिजी हैं अभी, ओके अल्लाह हाफिज। तो ये सैलून का जो है ना बाहर का लुक है, जो कि बहुत खूबसूरत व्यू है, और सामने रही हमारी कार, ये रहे मेरे हस्बैंड, वेट कर रहे हैं और कब से कॉल करेंगे जल्दी आओ, शाम भी हो गई है। देखें कट पे ब्लो ड्राई पे कितना टाइम लगता है। जाना जाते जाते मैं अपनी दोस्त से आपको मिलवा देती हूँ, ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्टी सलमा। बहुत अच्छा लगता है सलमा से मिलके, जब भी मैं मिलती हूँ, एक महीने बाद मिलूँ, दो महीने बाद मिलूँ, हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और साथ में एक और भी आ गई है आज, नाजिया। मैं हमेशा नाजो बोलती थी जब हम यहाँ पर होते थे एक साथ, तो थैंक यू सो मच नाजिया, थैंक यू बहुत इतने लवली प्यार देने का। थैंक यू सो मच आप सबका मेरा दिन स्पेशल बनाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कैसे है मसूद भाई, मैं कब से, मैं जब आई हूँ ना तभी मैंने आपको देखा, आप नहीं दिखे थे। तो मसूद भाई का फिर से एक दफा दोबारा से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो लोग नहीं जानते। तो मैं जब दो तीन साल पहले यहाँ पे जॉब करती थी, मसूद भाई उसी टाइम के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, है ना। तो माशाल्लाह सब लड़कियों की हेल्प करते हैं, कुछ भी बाहर से मंगाना, कुछ भी करना हो। टिकटॉक के बारे में बता दूं, बताएं किस नाम से है? आजाद अली जान। तो मेरे भाई को जरूर सपोर्ट करें टिकटॉक पे, आजाद अली जान को, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं जल्दी निकलूं, मेरे हस्बैंड के कॉल पे कॉल आ रही है कि कितना लेट करोगी। ओहो आ गई, होके आ गई अपने सैलून से तैयार होके? नहीं गया, टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, अच्छा ये पड़ा इनका सैमसोल, देखो मैं तैयार होके आ गई हूँ, ये कलर वहीं का वहीं रह गया। बहुत अच्छा लगा इतना आज, अरसे बाद में हंसी हूँ ना अपनी दोस्तों की वजह से, बहुत अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ। की बात है ना, फिर कोई और बात तो नहीं की बहुत क्योंकि इसके अलावा जो है ना कोई और ऑप्शन था नहीं, मेरे बाल जो है ना इतने ज्यादा शॉर्ट थे कि कुछ भी नहीं हाल था, यही हाल था बस। सही है ना, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से जो है ना सीधा जाकर हमने अपनी पैकिंग करनी है, कपड़े वपड़े सारे मेरे आयरन हुए हैं, लपेटे हुए हैं, बस उनको जो है ना बैग में पैक करना है, बच्चों का सब कुछ सेट करके मैं आई थी, बस बैग के अंदर डालना है, जिप बंद करनी है। और रात को 11 बजे ना, 11 बजे की हमारी यहाँ से फ्लाइट है, करते हैं आगे। मजीद आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज भी मिलने वाले हैं, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमारे होने वाले हैं। तो सबसे पहले घर जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और इस टाइम जो मैंने जूते पहने हैं वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसके अलावा रात को हमारी फ्लाइट भी है। तो यहाँ पर काफी सारे जूतों की शॉप है, तो यहाँ से मैं अपने जूते पक्का पक्का आज लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि इन जूतों के साथ मैं एयरपोर्ट पे नहीं जाने वाली, जो मेरे इतने पुराने जूते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे जूते हैं, तो इनमें से मुझे ना एक यहाँ से एक पसंद आया, उसका साइज अभी लेने के लिए गई, ये वाला डिजाइन जो कि पहनने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं पहन के ही चेक करती हूँ। पहनने में कुछ इस तरह का लग रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। हाँ मिल गए, और आज तो बहुत जल्दी जल्दी मिले, वरना ये जूते मुझे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आज टाइम जल्दी लेके आ गए, वरना जूते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये अभी मैंने नहीं दिखाना, मैं जब पहनूंगी फिर दिखाना। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं जब भी जूते लेने जाती हूँ बहुत टाइम भी लगाती हूँ, और मिलते नहीं है, मतलब मेरे साइज के नहीं मिलते, कंफर्टेबल नहीं होते,
डिजाइन पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा हर बार जूते लेने के टाइम पे होता है, लेकिन आज तो मैं जैसे गई हूँ ना, एक ही दफा देखने में जूते देखने में भी अच्छे लगे, पहनने में भी अच्छे लगे, कंफर्टेबल थे और टाइम इतना नहीं था कि मैं और देखती रहूं, तो खैर अच्छा हुआ कि जल्दी से मिली। अभी मैं आई हूँ बाबर दिलबर के घर पे, देखने की तैयारी इनकी कहाँ तक पहुंची है, और यहाँ पे लाइट गई हुई, साथ बाबर भी जा रहा है, दिलबर भी जा रहा है, तो देखते हैं इन्होंने कहाँ तक अपना समेटा हुआ। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? लाइट आ गई है, चलो हम जैसे आए लाइट भी आ। अच्छा, बाबर दिलबर तो घर पे कोई है नहीं, लेकिन उनकी मिसेज दोनों लगी हुई है अपने हस्बैंड की सारी पैकिंग करने में। चलो बाय बाय मीर, बाय बाय, पापा घर पे नहीं है, घूमने फिरने गए हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर पर, और सबसे पहले मुझे ये ड्रेस चेंज करना है, क्योंकि मुझे आयत को नहलाना है, तैयबों को भी नहलाना है। तो आयत को पता है कि आप जैसे भी मैं उसको लेकर जाती हूँ ना वॉशरूम में, तो बहुत ज्यादा पानी में उछल कूद करती है, और ये मेरी ड्रेस देखने की नहीं छोड़ेगी। तो टाइम भी कम है, तो जल्दी जल्दी से उनको फ्रेश करा कर लाती हूँ और फिर अपने बैग की पैकिंग करती हूँ। पर सबसे पहले मैंने आयत को नहला दिया, और उसके साथ साथ मैंने आयत की बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी कटिंग कर दी। आज मम्मा के साथ साथ आयत की भी कटिंग हो गई। ओके मम्मा, से ओके मम्मा, ओके मम्मा। तैयबा को भी मैंने नहला दिए, और इसके साथ यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल के यहाँ पर जमा करके रख दिए। अब बस बैग लेना है। कुछ कपड़े मेरे ऐसे थे जिसपे माओ बैठ बैठ के ना, माओ के बाल हैं कि निकल ही नहीं रहे, ये बहुत कम हो गए। इसको मैंने इतना झाड़ा, इतना निकाला है, ये फुल भरा हुआ था क्योंकि ये वहां पे पड़ा था, तो माओ जो है ना वहां पे जाके बैठ जाती थी। और इसके अलावा मेरे पास एक एक्स्ट्रा दुपट्टा आ गया, जो कि मुझे ये शॉप वालों को वापस करना है। मुझे उन्होंने एक सूट के साथ दो दुपट्टे दे दिए, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये रख लूं और उनको जो है ना फिर कॉल करेंगे, तो वो होम डिलीवरी करते हैं, तो ये जो है ना उनके पास हम पहुंचा रहे। मेरे कपड़े ये रहे, ये कपड़े नहीं असल में ये दुपट्टे हैं, क्योंकि कुछ जो मेरे ड्रेस हैं इनके साथ के दुपट्टे नहीं थे, तो ये एयर्स कॉर्नर से ही मैंने मंगवाए हैं, कुछ देर पहले मुझे देकर गए, तो इनको भी अभी निकाल के इनके साथ लपेट के रखूंगी। तैयबा कहती कि पहले मुझे तैयार करा दे, बाद में मम्मा पैकिंग करती रहे, तो पहले मैं तैयबा को कपड़े दे देती हूँ ताकि वो चेंज कर ले। सबसे पहले मैं तैयबा को ब्रश करा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आपको कपड़े निकाल के देती हूँ। तो जल्दी से जो है ना मैंने तैयबा के कपड़े भी चेंज करा दिए हैं, और ये वाला रूम देखें कि हमारा रूम किस तरीके से फैला हुआ है, सारे कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अलावा मैं बैग भी निकाल के लेके आई हूँ, सारा मैंने खाली कर लिया, और इसमें ये सारे ड्रेस जो है ना जो मैंने बना के सजा के रखे हुए हैं, तो ये सारे ड्रेस अब इसमें रखते हैं। और इसके अलावा मैं अपनी असली हालत में आपको देख रही हूँ, ये जूते जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और ये पहनने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं, जैसे मतलब दिख रहे हैं ना ऐसे पहनने में भी प्यारे लगते हैं। तो मैंने इनको बैग में नहीं डालना, एयरपोर्ट के लिए मैंने ये वाला अपना जूता निकाल के रखे थे, यहाँ से मैं यही वाला पहन के जाऊँ। जो कुछ थोड़ा बहुत काम वाले है ना वो नीचे एंड में रखती हूँ मैं इन कपड़ों को, कि लॉन वाले पतले वाले कपड़े हैं तो इनको मैं ऊपर ऊपर से रखूंगी, जो कि मुझे ज्यादा मेरे यूज में भी ये वाले आएंगे, और काम वाले जो है ना वो मैं सबसे एंड में नीचे रखती हूँ। सारे ड्रेस मैंने लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे, सारी डिटेल मैं आपको वहां चल के दूंगी जैसे जैसे मैंने ये ड्रेस पहनने हैं। फिलहाल इनको रख लेते हैं, अभी दिखाने का टाइम नहीं है कि एक एक ड्रेस मैं आपको निकाल के दिखाऊं। इस तरीके के ड्रेस आ गए सबसे नीचे, अब रह गए हमारे लॉन के ड्रेस, तो इनको मैं जो है ना सबसे ऊपर रखती हूँ। तो एंड में रह गया ये वाला ड्रेस, सारे आ गए, अभी भी इसमें काफी सारा स्पेस है, तो इसमें मैं अपने साथ जो है ना तैयबा को ऐड कर लेती। तो इसके साथ जो है ना तैयबा के कपड़े आ जाएंगे, और आयत के लिए तो छोटा बैग मैंने निकाल लिया, आयत के अलग ही डालूंगी, इसमें मैं कभी भी आयत के ऐड नहीं करती क्योंकि छोटे हैं, बार बार निकालने पड़ते हैं, तो बड़ा सा बैग खोलना पड़ता है। सारे दुपट्टे तो रह गए, और दुपट्टे भी मैं देखती हूँ क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहे कि ये सही से मैच होंगे। इसके अलावा ये जो वन शेड वाले हैं ये मैच हो जाएंगे, ये मैच भी हो रहा है, और ये वाला शेड भी देखती हूँ किसके साथ मैच हो रहा है। ये वाला देखते हैं अगर किसी के साथ मैच होता है, लेकिन ये बहुत मुझे नहीं लग रहा कि ये मैच होंगे। तो मुस्तफा भी नहा धो के फ्रेश होके आ गए, कैसा लग रहा है मुस्तफा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खाना खाया आपने? हाँ जी खा ली। तो इसके साथ साथ मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और काफी हद तक मेरा बैग पैक हो गया है, बस अब तैयबा के उठाने और इसमें रखो। अब आ गई है आयत के बैग की पैकिंग, तो जल्दी से आयत का बैग भी पैक कर लेते हैं। सारे कपड़े मैंने आयत के यहाँ से ड्रॉस से यहाँ से जो भी थे, जो मतलब एक अच्छे अच्छे ड्रेस अभी नए नए इसके पड़े थे, वो मैंने निकाल लिए, और अब जल्दी से इसको पैक करते हैं। तो आयत के जो भी न्यू ड्रेस थे वो मैंने नीचे नीचे रख दिए, और कुछ मैंने उसके नाइट ड्रेस रखे हैं तो मैंने ऊपर ऊपर से रख दिए। बाकी ये दो तीन ड्रेस मैंने आयत के शर्ट्स और कुछ टाइट्स मैंने निकाल के रखे हैं, ये साथ में अपने बैग में रखूंगी। इसके अलावा तैयबा के भी सारे कपड़े मेरे साथ आ गए हैं, ये एंड में रहते थे और इनको भी अब बना के रखते हूँ, तो इसकी जगह बनाते हैं। इसमें मैंने अपना एक जूता भी रखा है, तैयबा का भी एक जूता आएगा,
और बस ये बैग तो फुल हो गया। आयत के बैग में भी जो थोड़ी बहुत जगह है, इसके डायपर आएंगे और इसका मैंने मिल्क भी साथ में रखा। खाना जाना अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी खा लिया, बच्चों को सबको मैंने खिला लिया, क्योंकि जो प्लेन में खाना मिलता है ना बहुत फीका फीका सा होता है और बच्चे कोई भी शौक से मतलब वो खाना नहीं खाते। पैकिंग मामा ने कर ली है, अभी फिलहाल मैंने इसको ये घर के कपड़े दिए हैं। जब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे फिर आपको नया ड्रेस दूंगी, सही है, तभी ड्रेस निकाल देती हूँ। हैप्पी हो दोबारा से प्लेन पे जाने के लिए? खुश हो, एक्साइटेड हो? ये बताओ डर लगता है प्लेन पे बैठने का? हाँ लगता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो लगता होगा, नहीं लगता। यहाँ पर रह के ये मैंने लिए थे आयत के लिए शूज, कल लिए थे पता नहीं परसों लिए थे, मतलब इन्हीं को एक दो दिनों में लिए, बहुत प्यारे हैं, तो इसको पैक नहीं करना, आयत ये पहन के जाएगी। मैं आयरन टेबल पे ही रख देती हूँ फिर मैं भूल ना जाऊँ। और मुस्तफा सुना तो आयत का जाना शुक्र है मुझे एंड टाइम पे ये ब्लैंकेट याद आ गया कि मुझे ये लाजिम रखना है, ये जहाँ पे भी सोती है कुछ ना कुछ इसको हाथ में, इसका सॉफ्ट सा छोटा सा ही ब्लैंकेट सही इसको चाहिए होता है। तैयबा और आयत की सारी छोटी छोटी पिने थी जो कि कार्ड पे, इतने बड़े बड़े से कार्ड होते हैं ना उसके ऊपर लगी हुई थी, तो मैंने सारे कार्ड में से ये सारी पिने निकाल के एक बड़ा सा एक बॉक्स मैंने खाली किया। ये वॉच का बॉक्स था, काफी स्पेस है इसमें, ये अच्छे से अब ये बंद हो गया और सेफ भी रह गया इनकी सारी चीजें, इसकी पिने सब कुछ आ गया। ये रहा सामान सारा बिखरा, मेरा मेकअप भी बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे हुआ था, इसको मैंने साफ किया क्लीन किए। तो ये देखें ऐसे ऐसे कार्ड थे जिनके ऊपर पिंस थी, तो पिंस सारी निकाल के इनको मैंने सारा रिमूव कर दिए। अब रह गया हमारा मेकअप, तो मेकअप जो है ना सारा मैं अपना जमा कर रही हूँ, ब्रशेस बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा लेना है क्योंकि मैं लाइट ही करती हूँ, इस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें सारी मैं जमा कर रही हूँ कि इसको भी एक ही किसी चीज में जो है ना पैक कर लेती हूँ। प्यास बहुत लग रही थी और पानी का गिलास कप का मैंने यहाँ पर रखा, अपने काम में लगी हूँ, पानी भूल रही हूँ। सारी पैकिंग हो गई है, एंड में रह गई थी हमारी आयत, तो आयत को मैंने रेडी करा, नींद से उठा के बहुत ज्यादा रोई है, चिड़चिड़ी भी हो गई है, थोड़े से अजीब अजीब से बिखरे बिखरे से हुए। हाँ बबल्स हैं, ओके ओके बबल्स है। तो आयत को जैसे मैंने नहलाया ना उसी टाइम ऐसे उल्टा मुंह करके सो गई, बाल सारे ब्लैंकेट में ही थे, इसी वजह से टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। खैर आयत पे ये वाला जो है ना हेयर स्टाइल सूट करेगा, जो इसकी कटिंग की है ना फ्रंट से बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। तो यहाँ पर हमारी तैयबा भी रेडी हो गई, हाँ जो हम चल रहे हैं आयत, बाय बाय। अब मैं भी तैयार होकर आ गई हूँ, बच्चों को भी सबको मैंने तैयार करा दिए है, बाल मैंने इनको बांध लिया क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, और काम करते हो बहुत ज्यादा फिर आपको पता है पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मैंने चेंज कर लिया, बच्चों को चेंज करा के तैयार करा के बैग वैग सब कुछ पैक करा के बैग नीचे भिजवा दिए, गाड़ी में रख रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड। और इसके अलावा जब से मैं सैलून से वहां से वापस आई लगातार काम में लगे रहे कि जल्दी से खत्म हो जाए, और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, ये बस बीच बीच में मैंने खाना खा लिया, चाय हमारी वहीं की वहीं रह गई, अभी तक मैंने चाय नहीं ली। 11 बज चुके हैं, साथ में बाबर दिलबर मेरे जा रहे हैं और उनकी भी पूरी फैमिली एयरपोर्ट पे रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं, 11 बजे निकलना था, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो बस निकलते हैं यहाँ से और बस आगे चल के बाकी बातें करूंगी। अब चाय है और मुझे ज्यादा नहीं दीजिए, बस यहाँ की लाइट्स ऑफ करनी है और चाय आप पी लेना पहले। तो ये भी निकलते हैं, मेरे हस्बैंड ने चाय याद की कि चाय पी लेते हैं, और इसके साथ साथ हम अपनी माओ को भी बहुत ज्यादा याद करें, अपने प्यारे से खूबसूरत से घर को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं और इन तरह बहुत जल्द अपने घर के लिए वापस आएंगे। माओ हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रही है, आयत तो देखो आयत चलना नहीं साथ में, चलो सबसे पहले आप बैठो और पीछे पीछे आयत, गुड गर्ल, अब आयत खुद से बैठ सकती है, नहीं भागेगी माओ, आप थोड़ा सा आगे हो। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जाने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो मैं आज इसलिए पीछे बैठी हूँ, आगे जो है ना भाई बैठे हैं ड्राइव कर, इसीलिए हमारी गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ कि फिर गाड़ी हमारी एयरपोर्ट से वापस भी लेकर आएंगे। आ जाओ मामा के पास, मामा के पास आ जाओ। एयरपोर्ट में इंटर हो चुके हैं बाबर और दिलबर, सब फैमिली के साथ पहले ही पहुंच चुके होंगे, और यहाँ से जो है ना एरोप्लेन देख गया, आए कितना खुश हो रही एरोप्लेन को देख के, वो बाबर भी मिल गया, बाबर अभी से और भी बोलना शुरू हो गया है, वेलकम टू दुबई, वेलकम टू दुबई। चलो ये तो अच्छा हुआ है कि हमारे साथ कोई तो है जो लैंग्वेज वहाँ की समझते और बोल भी लेंगे। 100 में से 20% आते ना, मैं उनको घुमा फिरा के कंट्रोल कर लूंगा। चलो रास्ता तो समझा देंगे, इस तरफ जाना है, हादा गली बादल खली वाली। तो यहाँ पर फादिया भी आई हुई है, हमजा भी आया हुआ है, सारे बच्चे हैं और चाचू भी आए। कैसे हैं चाचू? ठीक है। दिलबर कहाँ गया? दिलबर भाई करंसी का पता कर रहा है मुझे। अच्छा, वो चेंज कराने के लिए। तो नीचे से कुछ इस तरह का दिख रहा है रात के टाइम पर, बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे कराची का जो एयरपोर्ट है ना, माशाल्लाह।
तो हम सब दुबई जा रहे हैं मुस्तफ़ा के लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मुस्तफ़ा हमारे साथ जाएगा और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि हम कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए, कुछ अपना दिमाग रिलैक्स करने के लिए कहीं ना कहीं निकलें। और कश्मीर का था तो कश्मीर में फिर पता है हालात सही नहीं थे, फिर हमने यहाँ का सोचा, हमने तुर्की का भी सोचा था लेकिन तुर्की का नहीं हुआ, तो फिर हमने ये सोचा कि दुबई बेहतर है। तो मुस्तफ़ा के लिए मैंने बहुत किया, मुस्तफ़ा को खुद ही नहीं जाना था, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, इसके डॉक्यूमेंट सब कुछ कम्प्लीट था और ये हमारे साथ जा सकता था। इसने ज़िद किया कि नहीं, मैं फुटबॉल में मैंने अभी हिस्सा लिया तो मैं नहीं जा रहा, तो बस यही रीज़न है मुस्तफ़ा हमारे साथ नहीं जा रहा। तो फिर जाते मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आना। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आगे की जो हमारी जर्नी है वो आप सब आगे ही देखोगे। तो अभी मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मुस्तफ़ा कहाँ चला गया? ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है इंडोनेशिया बन के जा रहा हूँ। अच्छी लग रही है, बुरा नहीं लगता। बाय बाय चलो अल्लाह हाफिज मुस्तफ़ा, मेरी जान ख्याल रखना ठीक है। मेरा दिल नहीं करता मैं अपने बच्चों को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाती, लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा ने बहुत तंग किया कि नहीं मेरा फुटबॉल में मेरा गेम है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, तंग नहीं करना किसी को, ठीक है। अल्लाह हाफिज बोल दो। अल्लाह हाफिज।